मेरे पास एक बोर्ड आया था जो कि मैंने कबाड़ी वाले से लिया था। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इसकी जो PWM IC होती है और ये जो मॉसफेट होता है वो निकला हुआ था। तो आज मैं इसमें लगाने वाला हूँ DMO 465R। उससे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन है। मैंने पावर सप्लाई में पावर लगा ली। अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर नहीं है IR पे। अब लगा लेते हैं हम इसको, DMO 465R लगाते हैं। ये आ गया हमारा मॉड्यूल, इसको बोलते हैं DMO 465R। जब तक हमारा मॉड्यूल लग रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी टेक्निकल नॉलेज के लिए। अगर आपको भी सीखना है कैसे लगाते हैं DMO 465R तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसमें बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हो हमारा मॉड्यूल जो है लग चुका है। मैं आपको पावर सप्लाई लगा के दिखा देता हूँ इसकी कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर IR पे लाइट जल गई है, हमारा सेट यानी स्टैंड बाय में आ गया है और ये हमारा सेट ऑन हो चुका है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।